जय हिंद, जय भारत। प्यारे साथियों, मैं अजीत फौजी सुंगरपुरिया ओम स्पोर्ट्स एकेडमी तोसाम से, जैसा कि साथियों आपको मालूम है, रोहतक आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस एआरओ की भर्ती जो है इसी वर्ष 2020 10 फरवरी से 20 फरवरी तक आयोजित की गई। उसके अंदर फिजिकल और मेडिकल हो गए थे, टेस्ट की डेट भी दी गई थी, जो कि 2-3 बार पोस्टपोन्ड हुई कोरोना के कारण। अब ये जो परीक्षा की तिथि है 1 नवंबर 2020 को फिक्स कर दी गई है। ये परीक्षा हिसार कैंट में होगी। उससे पहले जो हमारे आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस के अधीन 4 जिले आते हैं, सोनीपत, पानीपत, झज्जर और रोहतक, इन सभी जिलों के छात्रों को एडमिट कार्ड डेट वाइज इशू किए जाएंगे। सबसे पहले सोनीपत को 17 अक्टूबर 2020, पानीपत को 18 अक्टूबर 2020, झज्जर के युवाओं को 19 अक्टूबर 2020, रोहतक के युवाओं को 20 अक्टूबर 2020 को एडमिट कार्ड दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड लेने के बाद दोस्तों 1 नवंबर 2020 को हिसार कैंट में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पंजाब केसरी की न्यूज़ में आया है। सेना भर्ती कार्यालय के भर्ती निदेशक कर्नल रतनदीप खान ने बताया कि फरवरी माह में रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पानीपत के जिले के युवाओं हेतु आयोजित की गई सेना भर्ती रैली की लिखित परीक्षा को स्वास्थ्य कारणों के कारण पुनर्निर्धारित करते हुए 1 नवंबर को फिक्स किया गया है। लिखित परीक्षा का आयोजन अब 1 नवंबर 2020 को होगा। उन्होंने बताया कि सेना में भर्ती कार्यालय द्वारा चिकित्सा परीक्षण में फिट रहने वाले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। अब उन्हें नए एडमिट कार्ड लेने होंगे। भर्ती कार्यालय द्वारा यह सूचना उम्मीदवारों को ईमेल उनकी आईडी पर भेजी जा रही है। चिकित्सा परीक्षण में सफल रहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने पुराने एडमिट कार्ड जमा कराकर नए एडमिट कार्ड लेने होंगे। इस प्रकार से उनके सीरियल नंबर भी अलग अलग दिए गए हैं और इनको एडमिट कार्ड दिए जाएंगे। तो आप भर्ती कार्यालय रोहतक जाकर अपना नया एडमिट कार्ड ले सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।